आइए आज की रेसिपी में आपको एकदम ट्रेडिशनल बोरा डब्बा मटन गोश बनाना बताती हूँ, जो एकदम लजीज, जो एक बार खाएगा आपके घर में आपका एकदम फ्रेंड हो जाएंगे। और आज की रेसिपी मेरी आपको हेल्पफुल और अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली में वीडियो शेयर करें और मुझे आपके प्यार भरे कमेंट करके बताएं। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला करे पूरी दुनिया में जहाँ पे भाई बहने मेरी है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और आपकी जो भी मुश्किलें हैं परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे और अल्लाह ताला हम जो बीमार हैं मौला उनको सेहत और तंदुरुस्ती आफियत के साथ में ज़िंदगी अता कर दे। ये अल्लाह ताला जो परेशान है, ये अल्लाह जो तेरे सिवा अपने दिलों के हाल किसी को नहीं बोलते मौला, तो उनकी मुश्किलों को आसान कर दे। ये अल्लाह ताला कितने दुनिया में लोग हैं मौला काम के लिए रोज़ी के लिए परेशान है, तो उन्हें हलाल रोज़ी और रिक्स अता फरमा। बेशक मेरे मौला तो बड़ा गफ़ुर रहीम है मौला दोनों जहाँ में मालिक, बेशक तो पत्थर के नीचे को भी पत्थर के नीचे जो अल्लाह कीड़े हैं तो उनका भी रिक्स रखता है। हम तो इंसान है मौला, लेकिन क्या करें इंसान है अल्लाह, हम बेबहुत बेसब्रे होते हैं मौला। बेशक मौला जो हमारे हक में बेहतर है तू हमें अता कर, जो हम मांगते हैं वो भी अता कर मौला, और जो हम मांगने से रह जाते हैं और जो हम जायजे हमें वो अता कर, और हमें नेक और सौलीन बनने की तौफीक अता कर, नमाज़ और कुरान की पाबंद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। ये अल्लाह ताला पूरी पूरी दुनिया में मौला मेरी जितनी भी सिस्टर है, मेरे भाई हैं मौला जो भी रोज़ी के लिए परेशान है, उनको अच्छी जॉब और काम धंधे अता करवा दे अल्लाह, उनके सबकी तमामों की मुश्किलों को आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए इसी दुआओं के साथ में और आप आज हम बनाते हैं ट्रेडिशनल बोरा मटन डब्बा गोश्त। ठीक है, चिकन डब्बा गोश्त की मेरे चैनल पे रेसिपी डाली हुई है, लेकिन ये मैं ट्रेडिशनल बोरा मटन डब्बा गोश्त बना रही हूँ, जिसके लिए देखिए आप लोग मैंने यहाँ पे पाव किलो गोश्त को बकरे के और छोटे छोटे पीस में बोटी कर ली हूँ। ऐसी देखें इस तरीके से स्मॉल बोटी कर ले क्योंकि इसमें छोटी पीस रहती है। ये दो प्याज है जिसको मैं कट नहीं करी हूँ, अभी मैं जब मैं मटन के साथ में इसको डालूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ऐसा तो प्याज पीस के डालते हैं लेकिन हमको मटन गलाना है तो मैं उसी के साथ में डालूँगी, ये प्याज गल जाएगी भुनने के टाइम पे। यहाँ पे एक गाजर है, ये बटाटे है जो मैंने ऐसे स्लाइस में, एक स्मॉल बटाटे को मैंने स्लाइस में कट करी हूँ, ये फ्राई होंगे। और ये टमाटर, ये बटाटे और ये स्कोर में कटी हुई शिमला मिर्च, ये मैं ऊपर एग डालूँगी ना वो टाइम पे गार्निशिंग के टाइम पे जाएगा ये सब। और ये प्याज गाजर शिमला मिर्च ये सब ग्रेवी में जाएगा। यहाँ पे मैं फ्रेश अमूल की क्रीम ली हूँ, 10 से 15 काजू लेके गर्म पानी में मैंने भिगा दी हूँ जिसका हम पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास में वो खरबूजे के बीज होते हैं ना, कड़िंगर के बीज जो होते हैं पॉपी सीड, वो भी आप ले सकते हैं, खसखस होए तो खसखस भी ले सकते हैं, पर मेरे पास काजू है तो मैंने काजू ले ली भिगा दी हूँ। और यहाँ पे एक चम्मच मैंने मैदा ली हूँ, याद से आप देखिए सब चीज़ को, मैदा ली हूँ और अमूल बटर डाल के, अमूल बटर लगेगा इसमें, दो अंडे है ये देखिए, दो एग है ये ऊपर जाएगा, ये अदरक है 1 इंच और जितना मेरे को तीखा लगता है मैंने ले ली 6 से 7 मिर्ची, आधा चम्मच जीरा है और लहसुन है, ये मसाला मैं ग्रीन पीस के लेके आती हूँ और ये दो अंडे, ये ऊपर से जाएगी कोथमीर। आइए मैं मसाला पीस के ले आती हूँ फिर आपको मैं बताती हूँ पहले हम क्या करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, मटन डाल दी और जो दो प्याज बताई थी मैंने वो दो प्याज डाल दी हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको मैं नमक के साथ में थोड़ा सा नमक डाल के, बस इसमें कोई हल्दी वगैरह नहीं जाएगी, और इसका मैं ढक्कन लगा के इसको गला देती हूँ और मसाला पीस के लेके आती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ये देखें, और मेरे आवाज़ आ रही होगी उसको अवॉइड करें क्योंकि बिल्डिंग में बाजू में काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। ये दही काजू ली हूँ भिगाई में, उसमें मैं एक चम्मच से, ये देखें छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच दही डाल के बस मैं ग्राइंड कर रही हूँ। हरा मसाला मेरा पीस गया है जो मैंने आपको बताई थी और मटन गल रहा है। चलो आए देखते हैं, अभी 3 से 4 सीटी हो गई है, मैं कुकर को खोल देती हूँ और चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त गला क्या नहीं, नहीं गला होगा तो मैं इसको वापस से सीटी लगा दूंगी। अभी थोड़ा गला नहीं है गोश्त, मैं इसको और सीटी लगा देती हूँ 1 से 2। ये देखिए कुकर का ढक्कन मैंने खोल दी, कम से कम मैंने 5 सीटी लगाई हूँ। ठीक है, अब ये हो गया है, अब हमको क्या करना है पता है, ये जो मैं मसाला पीस के रखी हूँ ना, ये मसाला हम इसमें डाल देंगे, ये पूरा मसाला अच्छे से साफ करके डाल दें और इसे भुनेंगे
मैंने ऑयल देखे अभी तक ऑयल मैंने कहीं भी यूज़ नहीं करी हूँ, क्योंकि उसके बाद जब हम अंडा डालेंगे ना तो इसके ऊपर ऑयल जाता है, इसलिए ज़्यादा ऑयल अभी इसमें नहीं यूज़ करूँगी मैं। थोड़ा सा बटर जब मैदा करूँगी ना वो टाइम पे बटर का यूज़ करूँगी, और जो हमने बटाटे काट के रखे उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके निकालूँगी, मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, ये खुद ही ये जो गोश्त का जो थोड़ा वो चिकना निकला है उसी के साथ में ये मसाले को हम भून लेंगे, और फिर उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको। अभी क्या करेंगे, जो हमने देखे गाजर रखे हैं ना थोड़े से, ये गाजर मैं डाल दूँगी इसी के अंदर, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च ये डाल देंगे, ये मटन के अंदर जाएगा। और मैंने आपको ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने मैक्रोनी ली हूँ, ये मतलब एकदम समझ जाओ एकदम थोड़ी सी है, इसको बॉईल कर ले पर ज़्यादा बॉईल नहीं करे, एक मिनट बॉईल करके और छन्नी में रख दे, ये भी इसमें जाएगा, ये बाद में जाएगा जब हम एग डालेंगे ना लास्ट में, वो टाइम पे मैं मैक्रोनी डालूँगी, जो टाइम पे मैं फ्राई आलू और टमाटे अभी जो डालने के हमारे स्लाइस बाकी है, ये मैदा भुनने का बाकी है। चले आए देखें, मैं इसको अभी हटा दूँगी, ज़्यादा हमको नहीं पकाना है, ये देखें ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ बाद गैस पे, और यहाँ पे हम रख देंगे एक बर्तन। अब ये बर्तन में मैं डालूँगी ऑयल, जिसके अंदर हमको पहले बटाटे फ्राई करके निकाल के मैं ये ऑयल को वापस निकाल लूँगी। देखें ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर जो ये बटाटे के स्लाइस काटी थी इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे, ये ऊपर गार्निशिंग में जाएंगे डब्बा गोश्त के। और मैं एकदम पूरा आपको, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन एकदम ट्रेडिशनल पूरी रेसिपी बता रही हूँ जो रेस्टोरेंट में और बोरी कुजीन में बनती है, ठीक है। ये बटाटे फ्राई हो गए है ना, अब मैं क्या करूँगी इसको, एकदम हमारे ये आलू चिप्स एकदम रेडी है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, और इसी के अंदर ये जो मैंने स्लाइस करके रखी हूँ ना, गैस को मैंने बंद कर दी हूँ, गैस ऑन नहीं है। ये चिप्स निकालने के बाद बस ये ऊपर जो गार्निशिंग में शिमला मिर्च जो मैंने रखी हूँ ना कट करके, इसको हमको हल्के से यही गर्म ऑयल में, गैस बंद है याद रखें आप, और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। आए देखें, ये स्लाइस टमाटे है, ये बटाटो को मैंने फ्राई करके निकाल ली हूँ, और यहाँ शिमला मिर्च भी हो गई है, और ऑयल को मैंने खाली कर दी हूँ, इसके अंदर बहुत थोड़ा सा ऑयल रखी हूँ इसलिए मैं कि हमारा बटर जले नहीं, ठीक। अब इसके अंदर मैं यही ऑयल के अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा बटर, और हम अब इसके अंदर डाल देंगे जो मैदा रखी मैंने आपको बताई हूँ वो मैदा, ये बटर डाली, ये जो एक चम्मच मैंने मैदा बताई थी आपको ये डाली। मैदा डालने का प्रोसीजर ये है इसका, क्योंकि इसकी ग्रेवी एकदम पीस के जैसी थिकनेस होती है, और मैदा डालने से अच्छे सी थिकनेस इसके अंदर एक आ जाती है, मैदे को इतना भुनना है आपको कि इसके अंदर से एकदम अच्छी सी एक स्मेल आने लगे, कच्ची महक पूरी ख़त्म हो जाए, ठीक है, जब तक हमको भुनना है। ये देखिए दिख रहा है आपको, मैदा का कलर एकदम चेंज हो गया है, पिंक कलर का हो गया ये है ना। अब जलाना नहीं है, इसमें हमको थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है, इसमें गुठली ना हो, ये मैं थोड़ा सा पानी डाल दी और ये अच्छे से भून चुका है, देखिए आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो मटन मेरा हो गया है ना वो मटन लेंगे, और वो मटन को मैं इसके अंदर पूरा पलटी कर दूंगी, ये देखिए एक ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखें ध्यान दें आप, और बहुत कम मैदा लें, जो हमारी छोटी चाय की चमची होती है बस उतना ही लेना है, ज़्यादा मैदा नहीं लेना है हमारे को। यहाँ पे काजू का जो पेस्ट मैंने पीसी थी वो जाएगा इसके अंदर, दही और काजू पीसी थी मैंने वो जाएगा, ज़रूर बनाइएगा, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर, और आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, एकदम लजीज, और आपके घर वाले भी तारीफ़ करते, थकेंगे नहीं आप लोगों की, आपको ऐसा लगेगा कि आप बैठ के ये रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। ये बोरी लोग का ट्रेडिशनल डिश है, उनके हर फंक्शन में ये बनता है डब्बा गोश्त, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये कुकर में थोड़ा मसाला है तो मैं उसको धो के इसमें डाल दूँगी, गैस को हमको थोड़ा भून लेना है क्योंकि मसाले ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, एक दो मिनट बस इसको मैं भूनती हूँ। देखिए आप लोग ने, मैंने अभी तक इसके अंदर नमक का यूज़ नहीं करी हूँ, अब मैं डालूँगी, खाली गोश्त गलाने के टाइम पे मैंने थोड़ा सा नमक डाली थी,
अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। और इसके अंदर खड़े गरम मसाले नहीं जाते। अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, ये देखिए, बस कोई धनिया पाउडर नहीं, कोई जीरा पाउडर नहीं, एकदम अच्छे से आप रेसिपी देखें बराबर कि गरम मसाला पाउडर डाल दी मैं इसके अंदर, और ऑयल अभी तक का नहीं डाली हूँ। अब हम क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा गैस मैं बंद कर दूँगी थोड़ा, और ये देखें ये मैक्रोनी है, ये अब जाएगी इसमें क्योंकि अब ये रेडी हो गया है। ये इस स्टेज पे मैक्रोनी डाल दें अंदर, शिमला मिर्च, मैक्रोनी, शिमला मिर्च, गाजर, एकदम अब आपको हेल्दी रेसिपी और एकदम टेस्टी रेसिपी। मैं गैस को बंद करती हूँ। देखिए बन के, मैंने गैस बंद करके आपके सामने क्रीम डाल के मैंने पकाई नहीं हूँ, गैस बंद करके उतार दी हूँ, ठीक है। अब इसका ये लास्ट स्टेप है, और मैंने थोड़े से घी को गर्म करने के लिए रख दी हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो बटाटे फ्राई करके रखे थे ना, इस तरीके से आप रख दें। आपके वहाँ ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा फ्राई करें, मेरे वहाँ ज़्यादा नहीं लगेंगे इसलिए मैंने एक ही स्मॉल बटाटा फ्राई करी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कट करे हुए हमारे टमाटे हैं वो रखेंगे स्लाइस। ज़रूर बनाएं आप लोग, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दूंगी ये शिमला मिर्च कट करी हुई, ये देखिए इस तरीके से। और ये लास्ट की, अब हम क्या करेंगे, जो ये अंडे हैं, ये अंडे को मैंने नमक डाल के फेंट ली हूँ। ये हमारा एकदम लास्ट स्टेप है, ये देखें। अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, मैं तवा रखूँगी और तवे के ऊपर, एक गरम तवे के ऊपर 5 मिनट रखूँगी, क्योंकि हम ऐसा भी इसके अंदर जब घी डालेंगे ना, ये ऑलरेडी ऐसी पक जाएगा। घी भी गरम हो गया है मेरा, आइए हम वो भी डाल देते हैं एकदम केयरफुल होके। चले आए, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ध्यान दें, घी भी ऑयल गरम, घी मेरा गरम हो गया है। ऑयल घी आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ये ट्रेडिशनल बोरा डिश है, और ऑयल घी मैंने नहीं डाली थी पूरी रेसिपी में, अब डाली हूँ मैंने लास्ट में। अब इसके अंदर जाएगा कटी हुई कोथमीर, और ये 1 से 2 मिनट खाली गैस पे रहेगा और मैं फिर गैस बंद कर दूँगी। देख सकते हैं बस 2 मिनट के लिए मैंने गैस पे रखी हूँ, ठीक है, और फिर 2 मिनट के बाद मैं गैस बंद करके आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा डब्बा गोश्त बेहतरीन सा बन के रेडी हो गया है। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा क्योंकि मैंने गैस बंद करके 2-3 मिनट के बाद में ठंडा हो गया है, और मैं आपको अब निकाल के बता रही हूँ। ज़रूर देखिए डिलीशियस, ये देखें क्रीमी सा मटन ये आपका रेडी रहेगा बन के। चले आए, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा एकदम ट्रेडिशनल बोरा मटन डब्बा गोश्त बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल और अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले, और अपने फ्रेंड और फैमिली में मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें चैनल को, और वीडियो को फुल वॉच करें, आधी वीडियो देख के ना जाएं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इतने प्यार अच्छे अच्छे रेसिपी लाने के लिए, और अच्छी लगती है तो मैं अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें। देखें और इतनी स्मूथी है ना, ये देखें आप, ये डब्बा मटन डब्बा गोश्त, ये देखें इतना स्मूथ है, देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसमें एग का है, मैक्रोनी का है, हर चीज़ का फ्लेवर है, बहुत अच्छा मटन का, और बहुत क्रीमी सी होती है ये, ज़रूर आप लोग ट्राई करें और फिर बाद में मुझे बताएँ। और दुआ में खास अपने सिस्टर को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।